नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। खुले में न फेंके खाने की चीजें, वायुसेना की दिल्ली वासियों से अपील। वायुसेना ने गणतंत्र दिवस पर होने वाले फ्लाई पास्ट के मद्देनजर दिल्ली और आसपास के लोगों से अपील की है कि वे खाने की चीजें और मृत पशु पक्षी खुले में न फेंकें। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दिन वायुसेना के 30 से भी अधिक विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले ये विमान अभ्यास भी कर रहे हैं। खुले में पड़ी चीजों पर पक्षियों के मंडराने से विमानों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वायुसेना के अनुसार ये विमान और हेलीकॉप्टर राजपथ पर 60 से लेकर 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। लुधियाना में आरएसएस की सभा से पहले मैदान में गोलीबारी। दो अज्ञात हमलावरों ने यहां नए किदवई नगर पार्क में उस समय सोमवार को गोलीबारी की जहां आरएसएस की सभा होने वाली थी। मैदान खाली होने के कारण गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि आरएसएस स्वयंसेवकों की सभा से पहले मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने शाखा मैदान में गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने मांग की कैप पहन रखी थी और इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, पुलिस आयुक्त बस्सी ने कहा। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। केजरीवाल पर शाही फेंके जाने और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सुरक्षा में चूक होने का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद थे। केजरीवाल पर शाही फेंकने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि शाही फेंके जाने के बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रही है, उनकी हत्या हो सकती है। स्पॉट फिक्सिंग पर बड़ा फैसला, अजित चंदेला पर आजीवन प्रतिबंध। बीसीसीआई ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए अजित चंदेला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि हिकेन शाह के क्रिकेट खेलने पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 3 सदस्यीय अनुशासन समिति के सदस्य शशांक मनोहर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और निरंजन शाह ने राजस्थान रॉयल्स के चंदेला और शाह से पूछताछ की थी। इसी पूछताछ के बाद अनुशासन समिति ने दोनों खिलाड़ियों को सजा की अनुशंसा की थी। बगदाद में 3 अमेरिकी नागरिकों का अपहरण। इराक की राजधानी बगदाद में 3 अमेरिकी नागरिकों को अगवा किया गया है। समाचार चैनल अल अरेबिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 3 अमेरिकी नागरिकों को रविवार को यहां से अगवा किया गया। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी इसकी पुष्टि की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।